हाय, गुड इवनिंग। इस सेशन में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स, कि हम वर्ड्स को कन्वर्ट करके क्या लिखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बात करेंगे स्पेशल एडजेक्टिव्स के बारे में। इस सेशन में हम बात करेंगे स्पेशल एडजेक्टिव्स, और हमारा सेशन है नाउन इनटू एडजेक्टिव, कि नाउन को आप एडजेक्टिव में क्या लिखते हैं। इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स। कन्वर्ट करना मतलब बदलना, कन्वर्जन मतलब बदलाव। और इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का बनना, शब्दों का निर्माण। तो नाउन शब्द अगर दिए हैं तो इसके एडजेक्टिव क्या होंगे। आइए, पिछले वीडियो तक में हमने देखा था एग, EGG एग। मैं रिकैप कर दूं, एग का एडजेक्टिव क्या होगा। तो एग का एडजेक्टिव फॉर्म है ओवल। इट इज़ ओवल। ओवल शेप आपने देखा होगा, अंडाकार, अंडे जैसा होता है। तो देखें आप कि एग बिल्कुल अलग नाउन है और इससे एडजेक्टिव बिल्कुल ही अलग बन रहा है। एग से कहीं कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ओवल एग का एडजेक्टिव है। ओवल एग से कनेक्टेड है। एनीवे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज आई। सिंपल नाउन है, लेकिन इसके एडजेक्टिव क्या होंगे हमें ये सीखने हैं। आई का एडजेक्टिव है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपने सुना भी होगा, ऑप्टिक्स फिजिक्स में। तो ऑप्टिकल मींस रिलेटेड टू आई, आँख से संबंधित। तो आई शब्द नाउन है, ऑप्टिकल आई का एडजेक्टिव है, बिल्कुल स्पेशल है, बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट नाउन हमारे पास है फैमीन। फैमीन की मीनिंग होती है भूखमरी, स्टार्वेशन, वांट, नीड, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपको, भूख से जब आप तड़प रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड फैमीन। प्रोनंसिएशन ध्यान रखें, फैमीन। और इसका एडजेक्टिव है फैमिश्ड, फैमिश्ड। जब आप FAMISHED को प्रोनाउंस करेंगे तो इसका प्रोनंसिएशन होगा फैमिश्ड, यानी कि ट पर लास्ट करेगा, ड पर नहीं, डी को टी जैसा पढ़ेंगे, टी का साउंड ट होता है, ऐसा ही पढ़ेंगे, फैमिश्ड, फैमिश्ड। दिस इज़ द करेक्ट स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिंग दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट नाउन है फ्रॉड। फ्रॉड एंड इट्स एडजेक्टिव इज फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट, FRAU, मैं यू लिखना भूल गया, फ्रॉड्यूलेंट, दिस इज द वर्ड, मीन्स रिलेटेड टू फ्रॉडिज्म। चलिए, एक नया वर्ड आ गया, फ्रॉडिज्म। फ्रॉडिज्म इज द एब्स्ट्रैक्शन, इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉड। अंडरस्टूड? फ्रॉडिज्म। ISM अगर वर्ड में लगा हुआ है तो आमतौर पर जनरली उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं, सिंपली उसे हम नाउन समझते हैं। सो हियर इज़ अ वर्ड फ्रॉडिज्म, FRAUDISM। खैर, हमारा मसाला है यहाँ पर फ्रॉड एंड फ्रॉड्यूलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, द वर्ड इज फुट। आपने सुना ही है, आइए इसके एडजेक्टिव देखते हैं, स्पेशल है। पेडल, सुना है ना, पेडल। पेडल मींस रिलेटेड टू फुट। साइकिल में याद करें आप, पेडल होता है और हम उस पर अपने पांव रखते हैं और साइकिल चलाते हैं। पेडल क्यों कहते हैं उसे? इसलिए कि वो पांव से संबंधित है। वो टूल जिस पर हम अपने पांव रखते हैं वो पांव से संबंधित है, रिलेटेड टू फुट।
जिस शब्द के अंत में ए एल आपको मिले लिखा हुआ और वो शब्द अगर एडजेक्टिव है तो इसकी मीनिंग रिलेटेड टू कहकर हम लोग समझते हैं, कहकर निकालते हैं या ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही समझते हैं। जैसे नेशनल, तो नेशनल की मीनिंग है चूँकि इसके अंत में ए एल लगा है और ये वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। अगर कोई आपको इसकी मीनिंग कहे बोलने के लिए तो क्या बोलेंगे? तो नेशनल के लिए मीनिंग होनी चाहिए रिलेटेड टू नेशन, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित। ओके, इंटरनेशनल रिलेटेड टू इंटरनेशंस। उसी तरह से पेडल रिलेटेड टू फुट, नॉक्टर्नल रिलेटेड टू नाइट, क्योंकि नाइट का एडजेक्टिव नॉक्टर्नल होता है, ये भी स्पेशल है। एन वाले सेक्शन में हम इसकी बात करेंगे, अभी एफ वाले सेक्शन की या एफ वाले लेटर की बात करेंगे अभी। ओके, नाउ वी हैव अ वर्ड फ्लावर। हाँ, इसका प्रोनंसिएशन आप ध्यान दें, इट इज़ नॉट फ्लावर, इट इज़ फ्लावर, फ्लावर, यस। तो फ्लावर के लिए एडजेक्टिव हम फ्लोरल कहते हैं, फ्लोरल। देखिए इसमें भी ए एल आया, इसकी मीनिंग है रिलेटेड टू फ्लावर, फूलों से संबंधित। ओके, फ्लोरल फ्रैग्रेंस, फूलों की खुशबू। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फियर। फियर मतलब डर, बहुत ही स्पेशल एडजेक्टिव है इसका और इसकी हिस्ट्री भी है, मैं कभी बात करूँगा। इट्स, देखिए मैं टिमिड लिख रहा था चूँकि वही दिमाग में आ गया। इसका एडजेक्टिव है टिमरस। करेक्ट प्रोनंसिएशन आप देखें, प्रोनंसिएशन पर हमेशा गौर करें जहाँ तक संभव हो। इट्स एडजेक्टिव इज टिमरस, ध्यान दें टिमोरस नहीं है, टिमरस, 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 फियर टिमरस। तो टिमरस एंड टिमिड इस दोनों की ही मीनिंग होती है डरपोक, और टिमिड और टिमरस दोनों ही सिनोनिमसली यूज होते हैं। ओके, एक जैसी मीनिंग के तौर पर यूज़ होते हैं, पर्यायवाची शब्द के तौर पर यूज़ होते हैं, इसी को हम कहते हैं सिनोनिम। ध्यान रखिए सिनोनिम का भी प्रोनंसिएशन सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम है। एंटोनिम नहीं एंटोनिम, सिनोनिम नहीं सिनोनिम, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा हमें। ओके, कभी हम टिमिड एंड टिमरस की बात करेंगे, संभव है इसी वीडियो के बाद, देखते हैं। ओके, ये आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप कमेंट में अपना सजेशन रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज़ फैबल। इट हैज़ आल्सो अ वेरी स्पेशल एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फॉर्म। फैबल मतलब कहानी जो कि सच ना हो। इसमें हम कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बातें लिखते हैं, मनगढ़ंत कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। तो फैबल कहानी का एक जॉनर है, एक सेक्शन, एक खंड है। फैबल एक ख़ास प्रकार का तरीका है कहानी लिखने का, सो इट्स अ काइंड ऑफ जॉनर ऑफ स्टोरीज। आइए इसके एडजेक्टिव समझते हैं, इसी से वर्ड बना है, खूब हमने सुना है, फैब्यूलस सुना है ना। सो फैब्यूलस वर्ड का नाउन देखिए फैबल होता है। फैबल का प्रोनंसिएशन आप फैबल बोल सकते हैं या फेबल, बोथ आर करेक्ट, फैबल, फेबल, फैब्यूलस, फैब्यूलस, फैब्यूलस मीन्स शानदार। आर नेक्स्ट वर्ड इज फीवर, फीवर, बुखार। इससे वर्ड एडजेक्टिव बनता है फीवरिश, फीवरिश, एफ ई वी ई आर आई एस एच, फीवरिश। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फेट,
फेट मीन्स भाग्य। अब फेट के लिए आप एडजेक्टिव देखें, स्पेशल क्या है, और इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। आप कभी डिक्शनरी कंसल्ट करें, वहाँ से भी सीखें चीज़ों को। इट्स एडजेक्टिव इज फैटल, फेट फैटल, फेट फैटल। और इस सेशन का एफ लेटर से सबसे आखिरी वर्ड ले रहा हूँ, नाउन, एंड इट हैज़ अ वेरी वेरी स्पेशल एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, देखिए एडजेक्टिव शब्द अपने आप में नाउन है, और एडजेक्टिव शब्द का एडजेक्टिव एडजेक्टिवल होता है, आपने समझा। मैं बाईं तरफ में नाउन लिखता हूँ, दाहिनी तरफ में एडजेक्टिव लिखता हूँ, समझेंगे आप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाउन इनटू एडजेक्टिव, और नाउन के नीचे अगर मैं एडजेक्टिव वर्ड लिखूँ तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिवल होगा। चलिए मैं इसे लास्ट में मेंशन कर दूँगा, अभी मैं क्या कह रहा हूँ इसे समझा दूँगा। फिलहाल एफ लेटर से लास्ट वर्ड है हमारा नाउन में फ्लैश। फ्लैश मीन्स मांस, मांस, और फ्लैश, फ्लैश नहीं, फ्लैश, तालव्या शा, यस, फ्लैश नहीं, फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला करेक्ट है, दूसरा वाला सुनो, फ्लैश, तालव्या शा, एस एच है अंत में, गुड। सो द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ फ्लैश इज कार्नल, कार्नल, सी आर एन एल, कार्नल, फैंटास्टिक। आई लास्ट वर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने कहाँ लिखा, मैं थोड़ा नीचे कर कर अलग से लिख रहा हूँ ताकि ध्यान जाए इस पर। नाउन के नीचे मैं एडजेक्टिव लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड, और एडजेक्टिव वर्ड यानी नाउन हुआ। तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव एडजेक्टिवल होता है। ओके, एडजेक्टिवल, इसी बात की मैं भी चर्चा कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंग्लिश। आप बने रहें इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।